आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को, अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।